हेलो बच्चों, तो आज अपन अपना जो चैप्टर चल रहा था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके दूसरे लेक्चर में चलते हैं। पहले लेक्चर में अपन ने एटम के बारे में कुछ सिंपल सा नॉलेज लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे एटम से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे आइसोटोप है और जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था E+2P+N, उस पर कुछ हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये आइसोटोप क्या होते हैं, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आइसोटॉप्स को समझना है तो पहले आप इस टर्म को समझने की कोशिश करें। आइसो का मतलब हमने बोला था क्या होता है, सिमिलर, और जो टॉप है इसका मतलब पोजीशन होता है। जस्ट लाइक जैसे अपन कहते हैं ना कि उस बच्चे ने क्लास में टॉप किया है, टॉप का मतलब क्या बताता है, पोजीशन ही बताता है। टॉप का मतलब पोजीशन से होता है, ठीक है ना। तो अगर एक ही एटम्स के ऐसे एक ही एलिमेंट्स के ऐसे एटम हो जिनकी पीरियडिक टेबल में पोजीशन सिमिलर हो, अब जो पोजीशन इन पीरियडिक टेबल है वो डिपेंड करती है आपकी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर, और अगर प्रोटॉन सिमिलर होंगे तो पोजीशन अपने आप ही क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। अगर प्रोटॉन सिमिलर है तो पोजीशन अपने आप सिमिलर हो जाएगी। तो आइसोटॉप की डेफिनेशन देखिए क्या है, सुनिए। Group of atoms of a particular element having similar number of protons, electrons. Neutral atom है तो जितने proton होंगे उतने electron होंगे, ये अपन पिछली क्लास में discuss कर चुके हैं। But different number of neutrons and mass number are known as isotope. है ना, ये question था। तो अब देखो, जैसे carbon के isotope होते हैं, carbon 6, 12, 6, 13, 6, 14. ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो लिखा होता है ये क्या होता है आपके, ये होते हैं number of protons. तो ये आगे प्रोटॉन सब में क्या है, सिमिलर है, तो इनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सिमिलर होगा। एटॉमिक नंबर सिमिलर होगा तो इनकी पीरियडिक टेबल में पोजीशन भी क्या होगी, सिमिलर होगी, इसीलिए आइसोटॉप बोला गया इसको, ठीक है। अब बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर आ गया 12, 13, 14, ये आ गया 12, 13, 14। अच्छा, अगर आपको एन निकालना है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एन क्या होता है, ए माइनस पी। तो A में से P मतलब 12 माइनस 6, 13 माइनस 6, 14 माइनस 6 इस तरह से आ गया। तो देखो, ये तो चीजें जो है वो सिमिलर है और ये जो चीजें वो क्या है, वो डिफरेंट कर रही है, ठीक है ना। तो आइसोटॉप का फंडा समझ में आया कि आइसोटॉप में क्या क्या सिमिलर होगा। देखो, पोजीशन सिमिलर होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन सिमिलर होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर होंगे, मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब देखो, तो अगर अपना ऐसा बोले कि आइसोटॉप में क्या क्या चीजें सिमिलर होने वाली हैं, देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी एक बात समझ गया, केमिकल, सीपी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। एक आइसोटॉप के, एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आते हैं, सिमिलर आते हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। डिफरेंट क्या आया, डिफरेंट आया देखो बेटा, आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड मास, ठीक है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है मास नंबर पे, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, मास नंबर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आ रही, डिफरेंट आ रही थी। आइसोटॉप की हमने एक सिंपल सी बात की कि आइसोटॉप में क्या क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो सर, अगर मैं आइसोटॉप में आगे चलूं तो सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं अपन। हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप आपसे पूछते रहते हैं एग्जाम के अंदर, तो समझने की कोशिश करते हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा, हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप होते हैं, देखो कैसे, 1H1, 1H2, 1H3, है ना, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। Now, इसका कॉमन नेम होता है प्रोटियम,
इसका सिंबल एच ही होता है, इसका होता है ड्यूटीरियम, इसको डी से इंडिकेट करते हैं, ये होता है ट्रीटियम, इसको टी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अगर अपन प्रोटॉन देखें तो वन 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 है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो इक्वल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा अब देखो सुनो, अब अगर मैं इसका मास नंबर बोलूँ तो इसका कितना है, वन टू थ्री, न्यूट्रॉन बोलूँ तो क्या होगा, आपको पी में से ए में से पी माइनस करना है तो जीरो वन एंड टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात है, इस दुनिया का एक सिंगल ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, सिंगल सिंगल एलिमेंट कौन, प्रोटियम, जिसकी न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि प्रोटियम यानी एच में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रोटियम के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन आपका नहीं है। अब देखो सुनो, अब अगर अपन आपसे पूछे, देखिए जैसे मेरे पास H2O है, D2O है, NT2O है, ये नॉर्मल वाटर होता है आपका, ये हैवी वाटर होता है और ये रेडियो एक्टिव वाटर है। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें निकालते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब आप एक बात देखो सुनो, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, सबको पता है ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 8 होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो ध्यान दें ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, अब चाहे एच ले चाहे डी ले चाहे टी ले, एच ले चाहे डी ले चाहे टी ले, सब में प्रोटॉन वन वन है, तो ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन और हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन, तो दो हाइड्रोजन के 2, 8 वापिस वही करेंगे, वापिस वही करेंगे, तो कितने आ गए 10 10 10, ठीक। अब देखिए जब भी कोई मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज न्यूट्रल हो तो जितने प्रोटॉन होते होते इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो बेधड़क आप क्या करें इस तरह से कर दें, ठीक। बात न्यूट्रॉन की करें अगर अपन यहां पे, तो न्यूट्रॉन कैसे निकाल रहे थे, एच में कितने न्यूट्रॉन थे, 0, ठीक है। तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बताओ, 16 - 8 8, और इसमें कितने हैं 0, फिर 8 + 1 × 2 और फिर 8 + 2 × 2, कितने न्यूट्रॉन, 2, तो कितने हो गए देखो 8 10 एंड 12, ये इस तरह से आपके क्या आ गए इसमें न्यूट्रॉन्स आ गए। तो देखो अगर आप हैवी वाटर की बात करो तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। हम इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ है कि हैवी वाटर में क्या क्या सिमिलर है, तो तीनों चीजें सिमिलर है देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है ये, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, ये याद रखें आपकी प्रोटियम की न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब देखिए सुनी, अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि मेरे पास जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप है, C12 C13 C14, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप है, 15 16 एंड 17, ठीक। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर, या आप ऐसे बोल दो टोटल टाइप ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने बनाए जा सकते हैं, है ना। तो CO2 के मॉलिक्यूल में 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। अब देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझें, हम कार्बन यहां ले लेते हैं 12, ऑक्सीजन ले लेते हैं 15, ऐसा कर सकते हैं दोनों 15 ले ले, कार्बन फिक्स रखते हैं। अब हम ऑक्सीजन ले लेते हैं 16 वाली, कार्बन वही फिक्स रखते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं अपन 17 वाले, एक बार 15 ली फिर 16 ली फिर 17 ली। अब देखो क्या, एक 15 एक 16, एक 15 एक 17, एक 16
और एक 70, ऐसा कर सकते हैं। तो कार्बन 12 लेके आपने कितने बना ली, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, ऐसा सिर्फ कार्बन 12 से किया आपने, है ना, कार्बन 12 से टोटल 6 बन गई। अब इस कार्बन 12 की जगह मैं क्या फिट कर सकता हूँ, कार्बन 13 फिट कर सकता हूँ, 13 13 13 13 13, फिर मैं 14 14 14 फिट कर सकता हूँ, तो 6 × 3 यानी टोटल कितने हो गए 18 हो गए। तो ओवरऑल टाइप ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 18 हो गए, हो गए कि नहीं हो गए, ऐसा अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने कार्बन 12 से बना लिया, अब मैं 13 13 13 लगा के बना सकता हूँ, 14 14 14 लगा के मैं बना सकता हूँ, ठीक है। आगे देखो, तो अब देखिए हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। देखो एवरेज एटॉमिक मास को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मार्केट में हम एप्पल लेने गए, अब हम देखते हैं कि सारी एप्पल आपने देखा होगा कि एक ही जैसी नहीं होती, है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमने टोटल 10 एप्पल ली, 10 में से 5 एप्पल ऐसी थी जो 70 ग्राम की थी, 3 एप्पल ऐसी थी जो 80 ग्राम की थी, और 2 एप्पल ऐसी थी जो 100 ग्राम की थी, अलग अलग साइज था। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि बताओ इन एप्पल का एवरेज मास क्या था, मतलब ऑन एन एवरेज एक एप्पल का एवरेज मास क्या था, एवरेज बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है मेरे हिसाब से 9th-10th में, तो क्या करेंगे आप देखो कि पहले टोटल मास निकालें, तो 5 जो एप्पल है उसका टोटल मास ऐसे निकल जाएगा, फिर जो 3 है उसका ऐसे निकल जाएगा, और जो आपकी 2 है उसका ऐसे निकल जाएगा, ये हो गया। और टोटल कितना है 10, ये हमारे पास एक एप्पल का एवरेज मास आ गया, है ना। तो ऑन एन एवरेज जो एप्पल का मास होगा वो लगभग लगभग 70-75 के बीच में आ जाएगा, जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखिए। अब देखो सुनो, होता क्या है कि जैसे मान लो एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट की मान लीजिए आपके 3 आइसोटोप हैं, एक्स वाई जेड, ये 3 आइसोटोप हैं, ठीक है। इनका अगर मैं बोल देता हूं मास नंबर, इसका डब्लू वन है, इसका डब्लू टू है, इसका डब्लू थ्री है, जैसे ये देखो ये मास है, वैसे मैंने ये बोल दिया। अच्छा इनकी परसेंटेज बता दें, परसेंटेज इन नेचर, मान लेते हैं इसकी x1 है, इसकी x2 है, इसकी x3 है। आप जैसे टोटल 10 में अगर ये 5 है तो 50% होगी, टोटल 10 में ये 3 तो 30% होगी, ये 20% होगी, आप परसेंटेज का कोडिंग भी कर सकते हो, है ना। तो अब देखिए अगर मुझे एवरेज एटॉमिक वेट निकालना, क्या करूंगा, w1x1 w2x2 W3X3, नीचे आ जाएगा X1 plus X2 plus X3, simply इसको आप सॉल्व करोगे आंसर है, ठीक है ना। जैसे देखो मैं बोलूं कि मेरे पास क्लोरीन है, इसके 2 आइसोटोप 35 37, ठीक, 35 की नेचर में परसेंटेज है 75, 37 की है 25, तो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन फाइंड आउट करना, क्या करेंगे, 35 × 75 37 × 25 / 100, तो ये आ गया हमारे पास क्लोरीन का, ठीक है। जैसे देखो ये JEE 2009 में आया क्वेश्चन है, Fe के 3 आइसोटोप है, 54 56 57, ये नेचर में 5% 90% and 5%, तो हमें Fe का एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो 54 वाला कितना है 5, तो 54 × 5, 56 वाला कितना है 90, एंड 57 वाला कितना है 5, टोटल कितना हो गया 100, तो अपन इस तरह से फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। तो बड़ा सिंपल, आपको मास नंबर दिया जाएगा, उसकी परसेंटेज दी जाएगी, आप उसको बड़ा आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो सुनो, अब इसमें और किस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है,
चलिए आगे देखते हैं अपन थोड़ा सा। तो जब आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हो ना, तो बेटा एक चीज आप देखना है कि जनरली ये फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। हम पीरियोडिक टेबल में जो भी मास यूज देते हैं वो जनरली क्या होता है, आपका एवरेज मास होता है, क्योंकि एक एलिमेंट का अलग अलग आइसोटॉप है और नेचर में इनकी परसेंटेज क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जब हम उसका एवरेज लेंगे तो जनरली वो क्या आती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज आती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ ये फ्रैक्शनल वैल्यूज क्यों आती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अलग अलग आइसोटॉप, अलग अलग का मास नंबर अलग अलग और इनकी नेचर में परसेंटेज भी अलग अलग है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, वो कहता है कि एटॉमिक मास ऑफ नियोम, वो कह रहा है 20.2 है। ठीक, अब ये देखो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज का मतलब ये एवरेज हो गया, फिर अपना ये फ्रैक्शनल वैल्यूज एवरेज हो गया। ठीक, आप वो कहता है कि नियोन के दो आइसोटोप हैं, नियोन 20 एंड नियोन 22। तो आपको कह रहा है कि बताओ परसेंटेज ऑफ दीज आइसोटोप इन नेचर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मतलब हमें एवरेज गिवन है और इनका फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सुन, अपन ऐसा करते हैं कि नियोन 20 का मान लेता हूं मैं x, है ना, तो नियोन 22 अपने आप कितना हो जाएगा, 100 माइनस x परसेंट, नहीं दोनों मिला के 100 होंगे, तो एक को x मान लो तो बाकी बचा हुआ दूसरा हो जाएगा। ठीक है साहब, अब देखो सुन, हम अगर देखें तो इसका एवरेज एटॉमिक मास तो 20.2 है, तो देखो 20 जिसका मास है वो गया x और जिसका 22 है वो गया 100 माइनस x, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे अपन, 100 कर देंगे, यहाँ सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 90%। इसका मतलब जो नियोन 22 एंड सॉरी नियोन 20 है वो तो हो गया 90%, तो नियोन 22 क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो ये इस तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अभी तक जो क्वेश्चन किया था उसमें परसेंटेज दी थी, एवरेज निकालना था, इस बार एवरेज दिया और हमें परसेंटेज निकालनी, तो उल्टा कर सकते हैं हम इसको, कोई बड़ा इशू नहीं इसके अंदर भी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज रिड्यूस्ड टू हाफ, देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन द मास ऑफ कार्बन 612। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो बेटा, हमें ये पता है हम इसको कैसे सोल्व करेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1 AMU होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होता है, 1 AMU, 1.00750, 1.00850, मैंने वो 00 उड़ा दिया और ये लिया। ठीक है ना, तो अब देखिए है ना, इनिशियल मास तो क्या हो जाएगा, 6 प्रोटॉन है, हर का मास 1 है, 6 न्यूट्रॉन है, हर का मास 1 है, 12 हो गया। अब देखो फाइनल मास क्या हो जाएगा, आपने न्यूट्रॉन का डबल किया और प्रोटॉन का हाफ किया, तो प्रोटॉन का अगर हाफ कर रहे हो तो पहले 1 था, 1 का हाफ क्या हो गया, 1/2, और इसका आपने डबल किया तो 2 हो गया, तो कितना हो गया देखो आपका 15 हो गया, हो गया नहीं हो गया, तो बताओ चेंज इन मास क्या आ गया, चेंज इन मास आ गया 15 - 12 कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब बताओ कि इनिशियल मास 12 था, ये 15 हो गया, मतलब बढ़ा है ना, 12 से 15 में बढ़ा है, कितना बढ़ा, परसेंटेज इंक्रीज। तो आप मुझे बताओ 12 पे कितना बढ़ा, 12 पे बढ़ा 3, तो 1 पे कितना बढ़ा, 3/12, तो इनटू क्या कर दूं मैं, 100 कर दूं, यानी कितना परसेंट राइज हो गया, 25% राइज हो गया, हो गया नहीं हो गया।